हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन का टाइप्स आपको मैं पिछले क्लास में बता दिया था, साथ ही साथ जो दो एग्जांपल आपको बताया था, आज हम लोग एक नए एग्जांपल के साथ आए हैं और वो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9। एफ आपका एक मैपिंग है, एफ आपका एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रियल नंबर आर से रियल नंबर आर में। समझ लो, एफ आपका एक मैपिंग है रियल नंबर आर से रियल नंबर आर में, डिफाइंड है किस प्रकार से, तो एफ एक्स बराबर 2x। समझ गए, एफ एक्स बराबर 2x। और हम लोगों को बताना है कि यह फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइंड है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। किस प्रकार से डिफाइंड है प्यारे बच्चों, तो एफ एक्स बराबर 2x। समझ गए, एफ एक्स बराबर 2x से डिफाइंड है और हम लोगों को 1-1 और ऑन टू चेक करना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या करो कि एक फोटो बना लो। समझ गए, देख लो, ये आपका जो है बेटा, ये आपका R है और ये भी बोलो तो क्या है, R है और ये मैपिंग F है और X का इमेज कितना है, 2x। समझ गए, X का इमेज है 2x। इस तरह से एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में यदि इस तरह से आप फोटो तो सब बना देते हैं तो एग्जामिनर ज्यादा मेहनत नहीं करता, खर्च नंबर दे देता है। इसीलिए ये सब कोशिश कीजिएगा कुछ कुछ लिख कर बना देने का, ठीक। अब देखो तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना है, बोलो तो 1-1। क्या चेक करना है, 1-1 के लिए क्या तरीका है बोलो तो। 1-1 का तरीका है कि दो लड़की के हस्बैंड को बराबर लेकर चलते हैं, दो लड़की के हस्बैंड को बराबर लेकर चलते हैं और फिर दोनों लड़की को हम लोग बराबर दिखा देते हैं। यदि दोनों लड़की बराबर हो गई तो 1-1 हुआ, नहीं तो 1-1 नहीं हुआ, है ना। तो दो लड़की के हस्बैंड को लेकर चलो बराबर, लेट fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। X1, X2 हमेशा बेटा एलिमेंट रहेगा तो कहाँ का होगा, लड़की पार्टी का। कहाँ का होगा, लड़की पार्टी का। लड़की में F लगा दीजिएगा तो लड़का, लड़की में F लगा दीजिएगा तो लड़का, ठीक है। अब देखो तो कैसे फंक्शन डिफाइंड है, Fx बराबर कितना है, 2x। तो F1 बराबर X1 बराबर कितना हो जाएगा, 2x1 और Fx2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2x2, है या नहीं। और X1 बराबर कितना हो गया, X2। तो बोलो तो therefore F is 1-1। F 1-1 होगा कि नहीं होगा, यही तरीका है जी, F आपका 1-1। अब आपको क्या चेक करना है, ऑन टू। अब आपको चेक करना है ऑन टू। ऑन टू का क्या तरीका है बताओ तो, ऑन टू में हम लोग क्या चेक करते हैं, कोई लड़का कुमारा नहीं रहना चाहिए। ऑन टू में बेटा हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी लड़का आपका कुमारा नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपको लड़का को लेकर चलना है। समझ लिए, क्या लेकर चलना है, लड़का को लेकर चलना है। तो लिखिएगा लेट, समझ गए, लेट y बराबर fx, y लड़का होगा ना, इस तरह वाला आपका क्या होगा, लड़का। तो इधर x, तो इधर हम लोग क्या ले लेते हैं, y, और fx को ही हम लोग y मानते हैं, fx को ही हम लोग क्या मानते हैं, y। तो लेट y बराबर fx वेयर x बिलोंग्स टू r, x होगी तो लड़की पार्टी होगी, f के अंदर है ना, तो f के अंदर क्या होगी, लड़की पार्टी। और इधर आपका y जो है
वाई आप लड़का उठाए है ना, वाई क्या उठाए हैं, लड़का, तो लड़का कहाँ से होगा, लड़का पार्टी से, यानी कि वाई बिलोंग्स टू आर। ये जो आर है लड़की पार्टी का आर है, यानी कि ये डोमेन का आर है, और ये जो आर है ये आपका को डोमेन का आर है, मतलब दोनों आर आपका एक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आर आर है तो आपको कोई समस्या परेशानी नहीं। ठीक, अब देखो तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो अब y बराबर fx, fx बोलो तो कितना है 2x है। देखिए हम लोग लड़का को बराबर लेके चले, लड़का y था, इसको fx के बराबर लेके चले, लड़का लेकर बढ़े हैं और लड़की निकालेंगे, समझ गए, लड़का लेकर बढ़े हैं और उस लड़के के लिए यदि आप एक लड़की खोज लेते हैं, यदि एक लड़की खोज कर उसकी शादी करा देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। ऑनटू का मतलब क्या होता है कि एक भी लड़का तुम्हारा नहीं हो जाएगा, हाँ या नहीं, तो आप लड़के को पकड़िए, किसी भी लड़के को पकड़ लीजिए और पकड़ के एक लड़की उसके लिए खोजिए, और यदि लड़की से उसकी शादी करा पाते हैं ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। हम एक लड़का पकड़े थे वाई, और उसके लिए एक लड़की खोजना है एक्स, उसके लिए क्या खोजना है, एक लड़की एक्स, पूछे कि नहीं बात को, तो आइए हम लोग लड़की खोजते हैं। तो एक बात बताओ बेटा कि fx किसके बराबर है, 2x के बराबर है, fx किसके बराबर है, 2x के बराबर है, ये 2x हो गया, तो x हमारी लड़की है ना, तो हमको किसका मान निकालना है बोलो, तो x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा y by 2, x बराबर कितना हो जाएगा y by 2। अब देखो अब लड़का खोजना शुरू करो, कि लड़का कोई भी लड़का ले रहे हो तो उसके लिए लड़की मिलती है कि नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको सेट पे ध्यान देना पड़ता है, किसके ध्यान, किस पे ध्यान पर देना पड़ता है, सेट पर। देखो तो लड़का पार्टी भी रियल नंबर है और लड़की पार्टी भी रियल नंबर है या नहीं, लड़का क्या है बेटा रियल नंबर और लड़की क्या है रियल नंबर। देखो रियल नंबर है तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाता है, लेकिन सिर्फ रूट के अंदर माइनस नहीं होनी चाहिए। रियल नंबर के क्या डिफिनेशन है, आप जितना देखते हैं सब रियल नंबर है, लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर यदि आपका माइनस हो गया तो वो रियल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, वो कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा कॉम्प्लेक्स, समझे कि नहीं बात को, बात को समझ गए। तो क्या हम बोले कि यदि आपको रियल नंबर पे बात करना है तो ऑलमोस्ट सारा नंबर रियल होता है, लेकिन समस्या कहां पर आ जाती है, जब रूट के अंदर माइनस आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए क्या आपका माइनस टू आ गया, माइनस टू आ गया ना रूट के अंदर, ये आपका रियल नंबर, रियल नंबर नहीं है, ऐसे केस में ही आपको दिक्कत है, और रियल नंबर में कोई दिक्कत कोई समस्याएं नहीं होती है। तो यहाँ पर वाई लड़का है, किसी भी प्रकार से लड़का को उठा लो, यहाँ पर किसी भी प्रकार से लड़का को उठा लो तो उसके लिए लड़की तो मिल ही जाएगी ना। मान लो तुम एक नंबर लड़का उठाओगे एक बटे दो, तो लड़की क्या एक बटे दो नहीं हो सकती है, क्योंकि लड़की तो रियल नंबर है ना। यदि y के जगह पर रूट टू ले लो, क्या ले लो रूट टू, तो रूट टू बटे टू, रूट टू बटे टू भी तो आपका एक रियल नंबर होगा ना। यदि y के जगह रूट थ्री ले लो तो रूट थ्री बटे टू भी तो रियल नंबर होगा। ऑलमोस्ट सभी नंबर रियल होता है, समस्या बोलो तो बेटा कहां पर हो जाएगी, जब रूट के अंदर माइनस नहीं है। तो रियल नंबर के केस में यह आपका रियल नंबर होगा, तो क्या लिखिएगा इतना कि ये बिलोंग्स टू आर, समझ गए, ये आपका R में है, तो ये R आप क्या लिए X, X का मतलब क्या हो गया लड़की पार्टी, for all Y belongs to R, यानी कि आप क्या चेक किए, आप देखिए कि कोई भी लड़का उठाते हैं, आप कोई भी लड़का उठाते हैं उसके लिए लड़की मिलती है कि नहीं मिलती, लड़की मिल गई, इसका मतलब एक को लड़का कुमारा नहीं रहा ना, एक को लड़का कुमारा रहा नहीं रहा, और यदि एक भी लड़का कुमारा नहीं है वो फंक्शन आपका ऑनटू है। तो क्या लिखिएगा therefore, क्या लिखिएगा बेटा therefore
f is onto, f आपका onto, तो इस प्रकार से f आपका 1-1 भी है और f आपका onto, ए रे ए कहाँ पे आया तू, तो फिर मुंह से आवाज नहीं निकलता तुम्हारा, तो इस तरह से 9 नंबर हो गया आपका, ठीक। अब देखिए, अब हम लोगों को बनाना है 10, हम लोगों को 10 नंबर, हालांकि इसका चाहे तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए जानते हैं आप क्या कीजिएगा, ऐसे देखो, ये x, ये y, x डैश, y डैश, ये आपका 0, देखो, ये fx बराबर 2x है ना, तो fx ही y हो जाता है, बोलो तो fx कितना हो जाता है, y, तो y बराबर 2x, y बराबर कितना बेटा, 2x, y बराबर कितना बोलो तो 2x, y बराबर तुम्हारा है 2x, पहले y बराबर लिख लो fx, जो कि किसके बराबर है 2x, x एक रखो तो y कितना मिल जाएगा 2, x एक y 2, x दो रखो तो y कितना मिल जाएगा 4, यानी कि पूरा बीचों बीच इस तरह से आपका लाइन जाएगा, ये आपका लाइन कितना हो गया y बराबर fx बराबर कितना 2x, समझ गए, y बराबर fx बराबर 2x, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ भी दिखा सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, एक वर्टिकल लाइन क्या होता है टेस्ट, उससे भी हम लोगों को पता चलता है, उससे भी पता चलता है कि फंक्शन 1-1 ऑन 2 है कि नहीं, आपको किसी क्लास में हम इसको बता दें, ठीक। अब देखो तो आपका एग्जांपल नंबर 10 क्या है, एग्जांपल 10 देखो, तो एग्जांपल 10 क्या है, 10 में लिखा हुआ है कि f एक फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक, और दिया हुआ है f1 बराबर f2 बराबर 1, समझ गए, 1 एंड है आपका fx बराबर x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, हम लोगों को दिखाना है ये onto तो है लेकिन 1-1 नहीं है, बोलो तो क्या दिखाना हम लोगों को, onto है लेकिन 1-1 नहीं है, ये चीज हम लोगों को दिखाना है, क्या दिखाना है, onto तो है लेकिन 1-1 ये आपका नहीं है, आइए हम लोग चेक करते हैं, दिखाते हैं हम लोग, तो देखो बेटा कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे बोलो तो इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको करना है क्या करना है बेटा बोलो तो, आपको करना है 1-1 के लिए, किसके लिए, 1-1 के लिए, सबसे पहले 1-1 लेके चलो, 1-1, 1-1 का क्या तरीका है कि एक लड़की एक ही लड़के से शादी करनी चाहिए, हाँ या नहीं, एक लड़की कितने लड़के से शादी करनी चाहिए, एक ही लड़के से, ठीक। यहाँ पर देखो f के अंदर वाला क्या होती है, लड़की, f के अंदर वाले क्या होती है, लड़की, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, यानी कि दिया है, बोलो तो क्या दिया हुआ है, f1 बराबर कितना, f, ये दिया हुआ है ना, f1 बराबर f2, यानी कि एक लड़की और लड़की के ऊपर f लगा दिए तो उसका हस्बैंड हो गया, यानी कि f1 का मतलब 1 नंबर लड़की का हस्बैंड, f1 का मतलब कितना हो गया, 1 नंबर लड़की का हस्बैंड, और f2 का मतलब हो गया 2 नंबर लड़की का हस्बैंड, नहीं, 1 f1 का मतलब क्या हो गया बोलो तो, 1 नंबर लड़की का हस्बैंड, और f2 का मतलब 2 नंबर लड़की का हस्बैंड, तो दोनों हस्बैंड बराबर है ना, दोनों हस्बैंड बोलो तो क्या है, बराबर है, तो दोनों लड़की भी बराबर होनी चाहिए ना, दो लड़की का हस्बैंड को बराबर कीजिएगा तो दोनों लड़की को क्या होना चाहिए, बराबर, इंप्लाइज 1 बराबर 2, दोनों लड़की को क्या होना चाहिए, बराबर, क्या कभी है पॉसिबल है कि 1 और 2 बराबर हो जाएगा, ये पॉसिबल है, यानी कि ये डज नॉट इंप्लाई हो रहा है,
ये क्या हो रहा है बेटा, does not imply, यानी कि लड़की का हस्बैंड को बराबर करने से लड़की आपके बराबर नहीं होती, इसका मतलब F आपका 1-1 नहीं। क्लियर हो गया ना, F आपका 1-1 नहीं, एकदम क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे therefore F is not 1, F आपका 1-1 नहीं है, ठीक है, F आपका 1-1 नहीं। अब on to के लिए आपको चेक करना है, on to के लिए, तो on to का क्या तरीका है बेटा, on to का तरीका ये है, समझ गया, on to का तरीका ये है कि एक भी लड़का कुमारा नहीं रहना, समझ गए, एक भी लड़का कुमारा नहीं रहना, ठीक है। देखो तो एक नंबर लड़की इससे शादी की है, एक लड़का से, और दो नंबर भी लड़की किससे शादी की है, एक लड़का, एक नंबर लड़का से, हाँ या नहीं, मतलब दो नंबर दो को लड़की, कौन को लड़की बेटा बोलो तो, एक नंबर लड़की किससे शादी की है, एक नंबर लड़का से, और दो नंबर लड़की किससे शादी की है, एक नंबर लड़का से, ठीक है, यानी कि एक नंबर शादीशुदा है, एक नंबर जो लड़का है वो लड़का आपका शादीशुदा है, समझ गए, वो लड़का आपका शादीशुदा है, ठीक। यहाँ देखो तो ग्रेटर देन इक्वल टू है कि क्या है, नहीं ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो तो अब क्या करो कि अब हम लोगों को लिखना है रेंज बराबर क्या होगा, रेंज बराबर क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है, यदि आपका रेंज, यदि आपका रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, यदि आपका रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, ऑन टू हो जाएगा ना, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, लड़कों का समूह, कोडोमेन का मतलब लड़कों का समूह, और रेंज का मतलब शादीशुदा लड़का, रेंज का मतलब शादीशुदा लड़का, यदि शादीशुदा लड़का और लड़कों का समूह बराबर हो गया, यानी कि सब लड़का शादी कर लिया ना, यानी कि सब लड़का क्या कर लिया, शादी कर लिया, तो आपका तो फंक्शन ऑन टू हो ही जाएगा ना, तब आपका फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। आइए तो बेटा आप रेंज लिखना शुरू करो, तो व्यक्ति कैसे करेगा शुरू, देखो रेंज में मतलब शादीशुदा लड़का लिखेंगे, अभी तुरंत बोले कि एक नंबर लड़का तो शादीशुदा है, एक नंबर लड़का क्या है, शादीशुदा है, एक नंबर लड़का की पत्नी दो ठो है, एक है एक नंबर पत्नी और एक है दो, ठीक। अब क्या करो, अब देखो तो देखो अब दो नंबर दो लड़की तो शादी कर लेना, अब उससे ज्यादा तीन नंबर की लड़की पकड़ो, तो तीन नंबर लड़की यहाँ से वैल्यू मिलेगा, जो भी लड़की दो से ज्यादा है वो इस नियम से शादी करेगी, जो भी लड़की दो से ज्यादा है, समझ गए, जो भी लड़की दो से ज्यादा है वो किस नियम से शादी करेगी, यहाँ वाले नियम, यहाँ वाले नियम से शादी करेगी, तो तीन नंबर लड़की को पकड़ लो, यदि तीन नंबर लड़की पकड़ोगे तो तीन घटाओ एक यानी दो, तो कौन लड़का शादी करेगा, दो नंबर लड़का शादी करेगा, कौन नंबर लड़का शादी करेगा, दो नंबर, चार नंबर लड़की पकड़ो तो, चार नंबर लड़की पकड़ो तो, यहाँ पर यहाँ पर एक्स के जगह चार रखेंगे ना, तो चार से एक गया कितना, तीन, यानी कि चार नंबर लड़की किससे शादी करेगी, इसी से, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा ना, इसी तरह से आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, बढ़ते जाएगा तो एक दो तीन चार पांच से ये क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है, क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। तो क्या ये वाला नेचुरल नंबर के बराबर नहीं हुआ, हुआ ना बराबर, यानी कि ये क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर कहलाया। कहने का मतलब है रेंज और तुम्हारा कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, डोमेन है नेचुरल नंबर और कोडोमेन कितना है, नेचुरल नंबर है, यानी कि रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन कितना हो गया, बराबर हो गया ना, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा। Therefore, F is on two. इसलिए F आपका on two. ठीक? या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं एडिटर से, यदि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा बोलो तो, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, कौन सर के पास पढ़ने से,
इस चीज का बेटा ध्यान रखना तुझे। चलो इधर भी नेचुरल नंबर, उधर भी नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर लिखो, तो लिखो तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते जाओ। यहाँ भी लिखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक, इस तरह से लिख दी। हाँ या नहीं? अब देखो तो तुम्हारा फंक्शन कैसे डिफाइन है। देखो तो F1 बराबर F2 बराबर 1, अभी लिखना मत नहीं तो आकर फट से सोने लगेंगे। F1 बराबर F2 बराबर कितना है 1, और एक बोलो तो कैसे डिफाइन है Fx बराबर x माइनस 1। बोलो तो कैसे डिफाइन है Fx बराबर x माइनस 1 when x इज ग्रेटर देन 2। चलो अब शादी कराना शुरू करो। अब हम लोग क्या करेंगे, शादी कराना शुरू करें। देखो एक नंबर लड़की किससे शादी की है, एक नंबर लड़का से। कौन लड़का से? एक नंबर लड़का। ये लड़की हो गई और ये लड़का हो, ठीक। एक नंबर लड़की किससे शादी की है, एक नंबर लड़का से। एक नंबर लड़की एक नंबर लड़का, ठीक है। दो नंबर लड़की एक नंबर लड़का। चलो शादी करा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा चलो तो तीन नंबर लड़की पकड़ो। तो अब जो भी लड़की दो से बड़ी है वो इस नियम से शादी करेगी। जो भी लड़की दो से बड़ी है वो किस नियम से शादी करेगी? यहाँ पर दो से बड़ा तीन नंबर लड़की ले लो, तो तीन नंबर लड़की लिखो बेटा F3 हो जाएगा ना, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा F3 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। तो बोलो तो तीन नंबर लड़की किससे शादी की? दो नंबर लड़का। अब बेटा चार नंबर लड़की पकड़ो तो, तो चार घटाओ एक यानी कि तीन। चार नंबर लड़की किससे? इसी तरह से पांच नंबर, चार से छह नंबर, पांच से सात नंबर, छह से आठ नंबर, सात से नौ नंबर, आठ से दस नंबर, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो एक बात बताओ कि इसमें से एक भी लड़का तुम्हारा रह पा रहा है क्या? नहीं, नहीं ना, एक भी लड़का तुम्हारा नहीं रह पा रहा है। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू तो हो ही जाएगा। और ये 1-1 है क्या? 1-1 है, फोटो को देखने से लगता है 1-1 है। ये 1-1 इसलिए भी नहीं है क्योंकि शुरुआती में ही दो लड़की ज्यादा होशियार बनी। ये दोनों किसको पकड़ ली? एक नंबर। तो दो लड़की एक ही लड़का से शादी कर ली तो 1-1 तो हुआ ही नहीं, ये मैनी 1 हो गया। यानी कि मैनी 1, बहुत एक, बहुत एक, बहुत एक ना होता है, बहुत एक ना होता, बहुत लड़की एक लड़के से शादी कर ले, ये 1-1 नहीं होगा बल्कि मैनी 1। जो फंक्शन 1-1 नहीं होता है मैनी 1 होता है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है इनटू होता है, ठीक है। ये बेटा मैनी 1 है और ऑन टू है, यानी कि 1-1 नहीं है और ऑन टू। तो क्या लिखिएगा कि क्या लिखिएगा, ऊपर ऊपर से स्पष्ट है कि दिया गया फंक्शन मैनी वन तथा ऑन टू। वो तो बोलो बेटा कैसा फंक्शन है ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक। चलो नोट करो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आपका है इफ एक मैपिंग है रियल नंबर R से रियल नंबर R, समझे। इफ एक मैपिंग है रियल नंबर R से रियल नंबर R में, बताओ तो किस प्रकार का मैपिंग है, कैसे डिफाइंड है। Fx बराबर x स्क्वायर से, कैसे डिफाइन है बोलो तो, fx बराबर x स्क्वायर से डिफाइन है। और हम लोगों को डिस्कस करना है 1-1 और ऑन टू। हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, 1-1 और ऑन टू। आइए डिस्कस करते हैं 1-1 ऑन टू का कैसे होगा। देखो बेटा सुनो, देखो परीक्षा में बनाने का तरीका, सबसे पहले क्या किए, इस तरह से एक फोटो बना लिए,
ये तुम्हारा रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये तुम्हारा कितना हो गया बोलो तो f और x, और यहाँ पर कितना x, बताओ तो कितना टाइम लगा बनाने में? कुछ नहीं, दो चार सेकंड और बना लिया हम लोग, ये बना दिया, एग्जामिनर खुश हो गया, नंबर दे देगा, समझ गया? इतने से नहीं, एग्जामिनर खुश हुआ ना तुम्हारा फोटो देखकर। अब तुम 1 1 on 2 चेक करो, देखो 1 1 on 2 कैसे चेक करेंगे, अब बोलो तो क्या लिखिएगा? 1 1। अब 1 1 के लिए, 1 1 के लिए बोलो तो क्या तरीका है? दो लड़की के हस्बैंड को बराबर लेकर चलो, तो लेट लेट fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 कहाँ होगी? x1 x2 तो लड़की है ना, x1 x2 बोलो तो कौन है? लड़की है। अब देखो तो fx1 बोलो तो fx बराबर x2 है, तो fx1 कितना हो जाएगा? x1 square, fx2 कितना हो जाएगा? x2 square, कितना हो जाएगा? x1 square और x2 square, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लो, क्या ले लो? स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, x1 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस x2, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस x2, है या नहीं? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी इवन पावर हो, यहाँ पर जब कभी भी इवन पावर हो तो आंसर आपका प्लस माइनस में आएगा, और यदि आपका ऑड पावर हो तो आपका आंसर सिर्फ प्लस में आएगा। जो बोले बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि यहाँ पर इवन पावर है, जैसे 2 है 4 है 6 है, तो आपका हमेशा प्लस माइनस में आएगा, और यदि ऑड पावर रहे जैसे 1 3 5, तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस में आएगा। बुझ गया बात को? इवन में आपका प्लस माइनस दो, क्या खोज रहा तुम इधर? इवन में प्लस माइनस दोनों आएगा, और ऑड में सिर्फ और सिर्फ आपका प्लस रहेगा। इसीलिए यहां पर आपका क्या हो गया? x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो देखो तो हम लोग दो लड़की चुने थे, कौन कौन लड़की चुने थे? x1 x2, और दोनों की शादी कराकर हम लोग दोनों का हस्बैंड को बराबर कर दिए, यानी कि fx1 बराबर कितना हो गया? fx2। अब देखो तो ऐसा करने से दोनों लड़की बराबर हुई? नहीं हुई ना। x1 एक बार x2 के बराबर हो गई, एक बार x1 माइनस x2 के बराबर हो गई, हुई ना? तो दो केस लग गया ना, एक प्लस का केस लग गया और एक माइनस का। ऐसे केस में आपका यह फंक्शन 1 1 नहीं होगा, इस केस में आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा। यदि दोनों लड़की के हस्बैंड को बराबर करने से दोनों लड़की बराबर हो जाती तभी यह फंक्शन आपका 1 1 होएगा, नहीं तो 1 1 नहीं होएगा, यानी कि यह फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। क्या लिखेगा? Therefore, f is more 1 1, f आपका 1 1 नहीं है। अब आपको क्या चेक करना है? On 2। अब आपको On 2 चेक करना है। On 2 का क्या तरीका है बोलो तो? लड़का को उठाओ और फिर लड़की निकालो, लड़का को उठाओ और फिर लड़की निकालो। तो लड़का उठाओ तो बेटा क्या उठाएगा? लेटेगा, लेट वाई बराबर एफ एक्स, हाँ, जहां पर एक्स लड़की पार्टी है और वाई कहां का है? लड़का पार्टी, लड़का पार्टी। एक्स कहां बोलो तो? लड़की पार्टी, और वाई क्या है? लड़का पार्टी, ठीक। अब सुनो तो, y बराबर fx, बोलो fx कितने, ए रे रे लिखवे तो फिर, बोलो fx किसके बराबर? x² के बराबर, किसके बराबर है? x² के बराबर, fx किसके बराबर है? x²। हम लोग लेके चले थे लड़का, और याद कीजिए तो on 2 में आपको लड़की दिखाना पड़ेगा, लड़की निकालना है। अब क्या निकालना है? लड़की निकालना है, लड़की तो आपका x है ना, लड़की क्या है? x है। तो यहां से x का वैल्यू निकालो तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y, बोलो तो यहां से x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट y। अब जो है लड़का पकड़ना शुरू करो और देखो तो हर लड़का के लिए लड़की मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, समझ गए? अब क्या पकड़ना शुरू करेंगे? लड़का, और आपको चेक करना है
कि हर लड़का के लिए आपको लड़की मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यदि हर लड़का के लिए लड़की मिल गई ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। नहीं, और देखो तो लड़का पार्टी तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है, और लड़की भी पार्टी क्या है, रियल नंबर। ऑलमोस्ट चांस है ऐसा हो जाने का, रियल नंबर ऑलमोस्ट सब हो जाता है। बोलो तो समस्याएं कहां पर होती है, जब रूट के अंदर माइनस आ जाए। कब समस्या होती है, जब रूट के अंदर माइनस आ जाए। अच्छा देखो तो यदि जैसे लड़का पार्टी तुम्हारा वाई है ना, मान लो कि हम माइनस वन लड़का उठा ले, हम कौन सा लड़का, ए उसमें क्यों लिखता है, हम कौन सा लड़का उठाए, माइनस वन लड़का ही उठा लिए। तो माइनस वन लड़का जैसे उठाएंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, माइनस वन। रूट के अंदर कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो रूट के अंदर माइनस वन हुआ था, रियल नंबर हुआ क्या, नहीं। यानी आपको तो लड़की मिल ही नहीं पाई। किस लड़का के शादी हुई नहीं हुई ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा मन हुआ माइनस वन लड़का उठाने का, और माइनस वन लड़का तो शादी नहीं कर पा रहा, कर पाया वो माइनस वन गया शादी करने के लिए, तो रूट के अंदर कितना आ गया, माइनस वन। और रूट के अंदर तो माइनस आपका रियल नंबर होता ही नहीं, यानी कि लड़की तो उसको मिली नहीं। जब लड़की ही नहीं मिली तो कम से कम माइनस वन तो शादी नहीं कर पाया ना, कम से कम माइनस वन आपका शादी नहीं कर पाया। इसका मतलब कि फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो क्या लिखेगा यहाँ पर, लिखेगा, हाँ लिखेगा, does not belongs to R, does not belongs to R, हाँ, is, हाँ, when y बराबर माइनस वन, y बराबर माइनस वन belongs to R, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन does not belongs to R। आपको रीजन देना पड़ेगा, क्या रीजन दिए, जब हम लड़का पार्टी उठाए माइनस वन, कौन लड़का उठाए, माइनस वन, माइनस वन तो रियल नंबर था, तो उसके लिए हमको लड़की मिली अंडर रूट माइनस वन, जो कि आपका रियल नंबर है ही नहीं, जो कि रियल नंबर आपका नहीं है। देयरफोर f इज नॉट, इसीलिए f आपका ऑन टू नहीं है। इसको एलिटर मेथड से देखो बेटा, एलिटर मेथड से कैसे देखेंगे, एलिटर से देखो, ऐसा करो ध्यान से देखो, एलिटर से कैसे देखेंगे, इसका हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं, समझ गया, सुनो इसका ग्राफ कैसे बनाएगा, देखो यहाँ पे ग्राफ, हम सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ, तुमको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। y x डैश या y डैश या आपका हो गया जीरो। बोलो तो फंक्शन कितना दिया हुआ है, fx बराबर x स्क्वायर, और fx को हम लोग y बोलते हैं, यानी कि y बराबर x स्क्वायर। याद करो तो x y बराबर x स्क्वायर तो एक पैराबोला होता है, y बराबर x स्क्वायर एक पैराबोला होता है, और यदि पावर दो पर है, x पे पावर है, तो पैराबोला का मुंह या तो ऊपर खुलेगा या फिर नीचे, या तो ऊपर खुलेगा या फिर नीचे, प्लस रहता है तो मुंह कहाँ खुलता है, ऊपर की तरफ, माइनस रहता है तो नीचे की तरफ। तो ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, कहाँ खुलेगा बोलो तो ऊपर। ये तुम्हारा हो गया y बराबर fx बराबर x। यदि एग्जामिनर को, यदि एग्जामिनर को तुम ये वाला फोटो बना कर दिखा दिया, तुम ये वाला फोटो बना कर दिखा दिया, अस्तानी मुने एने उन्हें लिख दिया, तो तुमको एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा, एकदम नंबर देगा। ये फोटो वही बना सकता है ना जिसको आता है, दूसरा कोई बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसीलिए मैक्सिमम फोटो आप बनाइए यदि आपको 99 नंबर मैथ में चाहिए तो। अब देखो एडिटर मेथड से कैसे बनाएंगे, ये तुम्हारा सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ जीरो से शुरू करो, देखो जीरो से शुरू किए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन, यहाँ पे टू, यहाँ पर थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। लेकिन एक चीज तुम लोग हमेशा ध्यान में रखेगा,
कि यदि नेचुरल नंबर आता है, लिखेगा तुम लोग, यदि नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, तो एक और दो के बीच में तो एक भी संख्या नहीं होती है। लेकिन रियल नंबर है ना ये, तो रियल नंबर है तो जीरो और एक के बीच में अनंत संख्या होगा, एक और दो के बीच में अनंत संख्या होगा, दो और तीन सब के बीच में इनफिनाइट नंबर होगा। सब के बीच में कितना होगा? इनफिनाइट। क्योंकि आप जानते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होता है, अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। बोलो ये जानते थे कि नहीं जानते? ये आप जानते थे। अब देखो तो तुम्हारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, तुम्हारा एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर है। y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखो तुम क्या करो, जीरो को पकड़ो, जीरो लड़की पकड़ो, तो जीरो लड़की पकड़ेगा तो जीरो स्क्वायर यानी कि जीरो। जीरो लड़की किससे शादी की? जीरो से। जीरो से। एक नंबर लड़की पकड़ो तो वन स्क्वायर बराबर एक नंबर लड़की किससे शादी की? तू माइनस वन नंबर लड़की पकड़ो तो माइनस वन के स्क्वायर बराबर माइनस वन लड़की किससे शादी की? वन। तुम जो है दो नंबर लड़की पकड़ो तो चार, दो नंबर लड़की किससे शादी की? चार से। चलो जो कि नीचे हम लिखे नहीं है या नहीं, लेकिन स्पष्ट तो अभी ही हो गया ना, स्पष्ट अभी हो गया। बोलो तो क्या हो गया, तुम देख रहा फोटो में कि दो लड़की एक ही लड़के से शादी कर रही है, तो ये वन वन तो हो ही नहीं सकता है। और देखो तो चूंकि यहाँ पे पावर दो है ना, यहाँ पे दो पावर है, तो कोनो लड़की पकड़ोगे चाहे बड़की माइनस होगी या बड़की प्लस होगी, इस दो के वजह से तो प्लस हो जाएगा लड़का। yes, इस दो के वजह से क्या हो जाएगा? प्लस। यानी माइनस लड़का तो कुंवारे रह गया। माइनस लड़का तो सब माइनस लड़का कुमारा रह गया ना, ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेगा क्या लिखेगा, ऊपर से स्पष्ट है कि फंक्शन फंक्शन बोलो मेरे साथ वन वन नहीं, वन वन नहीं। अब देखो ऑन टू के लिए तो अभी तुम डालेगा ना, लिखेगा ना ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए क्या लिखेगा? देखो अब ऑन टू के लिए रेंज बताओ तो रेंज बराबर देखो जीरो नंबर लड़की लड़का से लेकर एने सब लड़का का शादी हो जाएगा, एने सब लड़का का शादी हो जाएगा, लेकिन जैसे तुम निगेटिव साइड में जाओगे ना, सब लड़का कुमारे रह गया। क्यों कुमारे रह गया? क्योंकि पावर दो है, माइनस देते हैं बड़का लड़की को माइनस देते हैं तो प्लस हो जाता है या नहीं? यानी कि जीरो से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक तो है मेरा रेंज, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तो है, लेकिन बेटा रियल नंबर तो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना, रियल नंबर तो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो ये जो है बेटा इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, ये तुम्हारा रियल नंबर के बराबर तो हो ही नहीं पाया। यानी कि रेंज इज नॉट इक्वल टू डोमेन। देयरफोर क्या लिखेगा? देयरफोर आर इज नॉट ऑन टू, इसीलिए आर तुम्हारा ऑन टू डोमेन नहीं होगा, डोमेन को डोमेन होगा। क्या हो जाएगा? को डोमेन, को डोमेन, इसीलिए तुम्हारा आर ऑन टू नहीं। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम अभी इतना स्लो इसलिए बता रहे हैं, इतना एग्जांपल देकर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समस्या परेशानी न हो। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक मैपिंग है नेचुरल नंबर n से नेचुरल नंबर n, और कैसे डिफाइन है? fx बराबर है x प्लस 1 यदि x आपका विषम यानी कि ऑड नंबर है,
और आपका x माइनस वन इफ x इज इवन, यानी कि सम संख्या है। तो हम लोगों को दिखाना है, हम लोगों को चेक करना है कि ये फंक्शन आपका वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करो बेटा कि इसमें इस चीज को हम लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट बना लेते हैं एरो डायग्राम से। किस पे बनाएंगे? एरो डायग्राम पे, ज्यादा आसान होगा। एरो डायग्राम में क्या खूबी है कि आपको भाषा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका एरो डायग्राम का फायदा। देखो इस तरह से करो, ये तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये तुम्हारा एफ। जरा नेचुरल नंबर लिखाओ तो तुम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dot 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dot dot dot। देखो तुम्हारे पास फंक्शन कितना है, एफ एक्स बराबर कितना, बोलो तो एक्स प्लस वन। तुम्हारे पास जो है एफ एक्स बराबर बोलो कितना है, एक्स प्लस वन। इफ एक्स इज ऑड और तुम्हारे पास है एक्स माइनस वन, इफ एक्स इज इवन। ठीक, अब तुम नंबर पकड़ना शुरू करो, जैसे वन नंबर पकड़ो। वन बताओ तो तुम्हारा ऑड है कि इवन है? ऑड है ना। जब तुम्हारा ऑड है तो वैल्यू ऊपर से मिलेगा। वन प्लस वन बराबर कितना, टू। यानी कि एक नंबर की लड़की किससे शादी की, दो नंबर लड़की। अब दो नंबर की लड़की पकड़ो तो ये तुम्हारा इवन है ना, वैल्यू यहां से मिलेगा, यानी कि टू माइनस वन वन। दो नंबर की लड़की किससे शादी की, एक नंबर लड़की। अब तीन नंबर की लड़की पकड़ो तो तीन क्या है, ऑड है ना, ऑड है तो वैल्यू ऊपर से मिलेगा, थ्री प्लस वन बराबर फोर। यानी कि तीन नंबर की लड़की किससे शादी की, चार नंबर के लड़के से। इस प्रकार से तुम पकड़ लो फोर नंबर, तो फोर तुम्हारा इवन है ना नीचे, यानी कि फोर माइनस वन बराबर थ्री। तो चार नंबर की लड़की किससे शादी की, तो नियम समझ में आ गया। फाइव किससे, फाइव सिक्स से, और सिक्स किससे, फाइव से, सेवन किससे, एट से, एट सेवन से, नाइन टेन से, टेन नाइन से, इलेवन ट्वेल्व से, ट्वेल्व इलेवन। देखो तो इधर एक एलिमेंट का इधर एक इमेज हो रहा है ना, यानी कि यह फंक्शन वन वन है। और देखो तो इधर कोई भी एलिमेंट खाली रहा क्या, यानी कि ऑन टू है या नहीं, क्या लिखेगा, हाँ, ऊपर से ऐसे यहाँ डॉट 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 दे देना, स्पष्ट है कि दिया गया फंक्शन वन वन। ऑन टू के लिए क्या करेगा, रेंज बराबर बोलो तो कितना है, रेंज बराबर ये सब रेंज हो गया ना, एक दो तीन चार पांच छह डॉट डॉट डॉट, यानी कि रेंज बराबर तुम्हारा कितना हो गया, कोडोमेन, कोडोमेन। देयरफॉर एफ इज ऑन टू, देयरफॉर एफ इज है।